जिला प्रशासन की ओर से समाज कल्याण विभाग ने जिला मुख्यालय के सुचाई कॉलोनी स्थित जर्जर भवन में वृद्धाश्रम का संचालन किया। वृद्धाश्रम की परेशानियों की जानकारी जैसे ही किसान नेता योगेश तिवारी को मिली, वह सीधे आश्रम पहुंचे और बुजुर्गों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना, साथ ही वहां की जर्जर स्थिति को देखा। पिछले 10 सालों से बेमित्रा जिले का एकमात्र वृद्धाश्रम है और यह सिंचाई विभाग के पुराने भवन में संचालित हो रहा है। कि जो यहाँ का संचालन कर रहे हैं भाई साहब, कि यहाँ जर्जर स्थिति हो गई है और इस समय बरसात में इन लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ा। प्लास्टर पूरा जर्जर हो गया है, कहीं से पानी टपक रहा है, चूर है, यानी कभी प्लास्टर गिर जाए तो कोई दुर्घटना हो जाए, तो उस ट्रस्ट के माध्यम से इसका जीर्णोद्धार करना चाहता हूँ। निशांत जी ने जो कुछ बताया उससे मैंने स्थिति स्पष्ट है कि मैंने बहुत स्थिति खराब होने की वजह से ही आज हम सब की ये मांग है कि किसी तरह से हमको एक बिल्डिंग की सुविधा मिल जाए तो मैंने हम लोग भी थोड़ा सा जीवन को ठीक ढंग से सुचारू रूप से चला पाएंगे।